हेलो एवरीवन, आज है 18 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग के बारे में। देखिए 67 रुपीज के आसपास ये शेयर ट्रेड करा है, एक बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली है। आज अगर हम देखें तो पूरे मार्केट में एक बढ़िया रैली आई थी और एलएनटी को भी उसका काफी बढ़िया फायदा हुआ भी है। 67.25 रुपीज के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड करा है, काफी दमदार रैली हम देख चुके हैं। और हालांकि एक बड़े लेवल से पेंडेमिक के चलते, कोविड के चलते शेयर में गिरावट भी आई थी, काफी बढ़िया बाउंस बैक भी किया एलएनटी फाइनेंस ने उसके बाद। और जब शेयर 67 रुपीज के ऊपर है तो अब खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, या फिर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शेयर 67 रुपीज के आसपास है और एलएनटी फाइनेंस के ऊपर इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। जस्ट अभी एक हफ्ते पहले ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, सॉरी 2 हफ्ते पहले, 6 अगस्त को ये वीडियो मैंने बनाया था। तब शेयर 62 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था और तब मैंने कहा था कि खरीदारी का मौका है, अभी भी डरने की जरूरत नहीं है, आप बाइंग कर सकते हो, फ्रेश बाइंग की है तो बने रह सकते हो, शेयर अभी और ऊपर जाता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। और 6 अगस्त को ये वीडियो था, आज 18 अगस्त हुई है, तकरीबन 12 दिन आप कह सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि शेयर में एक रैली हमें जरूर देखने को मिली है, 5 रुपए से भी ज्यादा शेयर अप हो चुका है और एक अच्छी रैली हम यहाँ पर देख रहे हैं। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में एलएनटी फाइनेंस के शेयर में 9% का ग्रोथ देखने को मिला है। 59 रुपीज तक का लो बना था और तब से लेकर आप अभी अगर देखें तो अब तक का हाई बना है पिछले एक महीने का 67.25 रुपीज का। एक साल में देखें तो 36% की गिरावट है, 131 रुपए के लेवल से शेयर टूट कर 48 रुपीज तक पहुंचा था, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, 70 रुपए तक शेयर पहुंच गया था लेकिन बाद में फिर से गिरावट है, वापस शेयर तेजी की तरफ आगे बढ़ रहा है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो पिछले 3 साल में एलएनटी फाइनेंस के शेयर में 61% की गिरावट है, 211 रुपए से शेयर कंटिन्यूअस टूटा है, कंटिन्यूअस ये शेयर में गिरावट आई है, लेकिन अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन शेयर तेजी की तरफ आगे जरूर बढ़ा है। पिछले 10 साल की हम बात करें तो पिछले 10 साल में डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2011 से जब से इसका आईपीओ आया तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो 40 रुपए का लो है और 211 रुपए तक का हाई भी देखने को मिला है। 2016 में आप देख सकते हैं कि शेयर 50 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और उसके बाद ऐसी दमदार रैली आई कि 2017 में वही 50 रुपए का शेयर 200 रुपए का बन गया, लेकिन 2017 से गिरावट भी हमें देखने को मिली है, शेयर कंटिन्यूस टूटा है, बीच में बाउंस बैक की कोशिश की लेकिन फिर से गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर से तेजी की तरफ से आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मिड कैप शेयर है ये, 13,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखेंगे तो 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूँ तो 63.72% की प्रमोटर की होल्डिंग है, 9.37% की एफआईआई की होल्डिंग है, 0.77% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है और 3.22% की इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग है। एफआईएस ने पिछले क्वार्टर के मुकाबले अपनी होल्डिंग को कट डाउन जरूर किया, लेकिन म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर थोड़ी सी खरीदारी जरूर की है। देखिए सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो प्रमोटर है वो काफी बड़े नामचीन प्रमोटर है, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड एलएनटी सबसे बड़े प्रमोटर है, 63.72% की बहुत बड़ी होल्डिंग इनके पास है। तो देखिए बैकबोन जो है वो काफी बड़ा हम यहाँ पर कह सकते हैं इनका, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, 12 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 103 जितने एफआईआईज भी यहां पर इन्वेस्टेड हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 12.95% की देखने को मिली है। शेयर छोटा जरूर है लेकिन डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है, 9% का डिविडेंड पे किया है इसी साल मार्च महीने में, 90 पैसे पर शेयर का डिविडेंड इस कंपनी ने इस मार्च महीने में पे किया हुआ है इस साल। एलएनटी फाइनेंस के बारे में अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है इसकी, हालांकि पी थोड़ा सा हाई जरूर हो चुका है, 31.87 का है, जबकि इंडस्ट्री पी 29.33 के आसपास है, बुक वैल्यू 39 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.42 है, एपीएस 2.11 है, डिलीवरी तकरीबन 11.66 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 99% लोग कह रहे हैं कि भैया बढ़िया शेयर है, खरीदारी करो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। 1% लोग ऐसे हैं जो 1% ही ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे, वरना हर कोई यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहा है। एलएनटी फाइनेंस के बारे में अगर हम देखें तो जून क्वार्टर में डेफिनेटली उतने अच्छे नतीजे नहीं थे लेकिन उतने बुरे भी नहीं थे।
150 करोड़ के आसपास का मुनाफा हुआ है इनको, और मैं मानता हूं कि ये अच्छे हैं, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि जून क्वार्टर जो है वो पूरा का पूरा पेंडेमिक का पीरियड था, वो लॉकडाउन का पीरियड था, और वहां पे बिजनेस अफेक्ट जरूर हुए हैं इनके। तो 147 करोड़ का मुनाफा कोई बुरा मुनाफा मुझे नहीं लग रहा है, पर अच्छे प्रॉफिट्स मैं इसको जरूर मानूंगा। इससे पहले मार्च में 385 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले दिसंबर में 590 करोड़ के आसपास का भी कंपनी मुनाफा कर चुकी है। हालांकि सितंबर 2019 में 175 करोड़ का बहुत ही कम प्रॉफिट था, जून 2019 में 550 करोड़ तक के भी अच्छे खासे प्रॉफिट कंपनी बुक कर चुकी है। तो नतीजे अच्छे हैं, उतने बुरे नहीं है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर देखें शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो जरूर प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, ना के बराबर डिक्रीज हुई है। 63.91% की होल्डिंग 63.72% है, एक भी प्रमोटर का शेयर गिर भी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। एफआईआईज की बात करें तो 11.39% की होल्डिंग 9.37% देखने को मिली है। और म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है, 2.45% की होल्डिंग 0.77 है, हालांकि बीच में 0.56% थी, उसको इस क्वार्टर में बढ़ाई भी है। और इंश्योरेंस कंपनी जो पहले थे ही नहीं, अब 3.22% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल में बात करूं एलएनटी फाइनेंस की, तो देखिए एक काफी बड़ा बैकबोन है इनके पास एलएनटी लिमिटेड का, और कंपनी की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली काफी सस्ते प्राइस पर ये शेयर पहुंच चुका है। 48 रुपीज से काफी अच्छा उछाल देखने को मिला है, 211 रुपीज से शेयर गिर कर नीचे भी आया है, और यहाँ से लगता है कि शेयर जरूर ऊपर जा सकता है यहाँ पर। और मैं यही कहूंगा कि अभी भी शेयर में बहुत सारा दमखम बाकी है, खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन लेकिन एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर खरीदने की गलती यहां पर बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि देखिए यहां पर हुआ क्या है कि एक महीने में जरूर यहां से 59 जो शेयर 67 रुपीज तक पहुंचा है, अभी भी 70 रुपीज तक शेयर जा सकता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मुनाफा वसूली हावी होगी इसके ऊपर। मुनाफा वसूली हावी होगी तो वही 70 रुपए का शेयर आपको वापस से 65 रुपए के आसपास भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन वापस से 65 रुपए से शेयर उछाल लगाकर वापस 75 रुपए तक भी जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीदो, एसआईपी मोड में खरीदारी करो। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 20 शेयर खरीदो, फिर वेट करो, अगर गिरावट आती है तो और 20-25 शेयर की क्वांटिटी ऐड करो, फिर वेट करो, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करो, कम से कम 1 साल का यहाँ पर निवेश का प्लान लेके चलिए। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि शेयर 70 रुपए तक जाएगा, लॉन्ग टर्म में आराम से 80 रुपए के आसपास भी जाने का ये इसमें दमखम दिखता है। तो यही कहूंगा कि खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो, और अगर मुनाफा वसूली थोड़ी सी हावी होती है तो थोड़ी और क्वांटिटी भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर। तो ये सोच के खरीदारी करो कि आपको यहाँ पर एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसी साथ वीडियो को एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एलएनटी फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।